रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा की राजनीति में 32% आबादी वाले अति पिछड़ा वर्ग सर्व समाज ने हिस्सेदारी को लेकर एकजुटता के साथ आवाज उठाई है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में आबादी के हिसाब से राजनीतिक दलों से कम 27 सीटों पर अपना दावा पेश किया है। हरियाणा गठन के बाद अब तक वंचित रहे सैन, पांचाल, रोहिला, सोनी, बैरागी समाज एवं बीसी के अन्य वंचित वर्गों को भी एक एक टिकट देने की प्रत्येक राजनीतिक दल से मांग की गई है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जींद स्थित PWD विश्राम गृह, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को जाट धर्मशाला और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य राजनीतिक दलों को भी अन्य जगहों पर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के महासचिव एवं लोक संपर्क विभाग हरियाणा के रिटायर्ड DIPR और सुरेंद्र कुमार वर्मा कोत की अगुवाई में शिष्टमंडल की ओर से ज्ञापन सौंपा जा चुका है। जींद से हमारे संवाददाता सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। जींद जिला की यहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में हमारे सैन समाज के प्रधान रणवीर जी तंवर हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या फैसला लिया गया। साथियों, मेरी उम्र भी लगभग करीब 60 साल हो गई है। मैंने सभी पार्टी का राज देखा है, जिसके अंदर चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और पिछली 10 साल से जो राजनीति के अंदर भाजपा भारतीय जनता पार्टी में चौधरी वो क्या बोलते अपने मनोहर लाल जी खट्टर, जितनी उपेक्षा सभी राज्यों के अंदर पिछड़ा एक ही हुई है, इतनी किसी की नहीं हुई। और इन 10 सालों में तो एक रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। हमने आश करी थी 10 साल से ये पिछड़ा वर्ग है ना, कांग्रेस से विस्थापित होकर बीजेपी की तरफ गया था, लेकिन जितना बुरा हाल बीजेपी की सरकार में हुआ है इतना बुरा हाल हमारा किसी की सरकार में नहीं हुआ। लोग कहते थे कि ये पोर्टल की सरकार है, लेकिन हमें दुख होता था कि गलत बोल रहे हैं, लेकिन अभी हमें पता चला है वाकई में पोर्टल की सरकार थी। क्योंकि अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय नायब सैनी जी ने हमारे क्रिमिनल एरिया की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी है, जिसके अंदर वेतन और एग्रीकल्चर की जो आय है वो नहीं जुड़ेगी। लेकिन हम अब अपने बच्चों का BCA का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि पोर्टल खराब है और वैकेंसियाँ निकाल दी, पोर्टल खराब है, इसलिए हमारे हजारों बच्चे फार्म भरने से वंचित रह गए। इसलिए मैं पुरजोर कोशिश करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से जल्दी इस पोर्टल को लागू करें, खोलवाए, ताकि बच्चों का BCA का सर्टिफिकेट बने पढ़ सके और आगे ये बच्चे अपने फार्म अप्लाई कर सके। नहीं तो इसका अभी अगला सरकार को आने वाली 1 अक्टूबर को भुगतना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। धन्यवाद। इसके साथ साथ इस बैठक में एक और फैसला लिया गया, हम किसी के पक्ष में या विरोध में नहीं है, लेकिन जो हमारी आबादी है 25% उसके हिसाब से हमें भागीदार दी जाए और जो पिछड़े वर्ग एक की जो जातियां हैं तो उनमें भी जो वंचित रही हैं उनको भी टिकट दिया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर सोनी समाज की आबादी हरियाणा में लगभग 1.5% है, कम से कम एक टिकट दी जाए। सैन समाज की आबादी भी लगभग 2% के ऊपर है, उनको भी टिकट दिया जाए, उचित भागीदारी दी जाए। और भी अन्य जातियां हैं उनको भी आबादी के हिसाब से टिकट दिया जाए, जो वंचित वर्ग रह गए हैं उनको भी टिकटें दी जाएं। क्योंकि हम जिसकी जितनी आबादी है, चाहे वो जनरल की हो चाहे अन्य हो, उसके हिसाब से टिकट दिया जाएगा तो कोई नहीं है आबादी के हिसाब से, तो कोई भी जातियां हैं उनको सभी को मिलने चाहिए अधिकार।
तो हमारे बीच में वरिष्ठ उप प्रधान सुरेश दिनोदिया जी हैं, हम उनके विचार जानना चाहेंगे। माननीय मेरे पिछड़ा वर्ग सीन के प्रधान सुरेंद्र वर्मा जी, सैन समाज के प्रधान श्री रणवीर सिंह जी, जांगड़ा समाज के प्रधान सुल्तान सिंह जी, हमारे सतीश कुमार जी, विनोद कुमार जी, वे आज यहाँ पर पिछड़ा वर्ग है की मीटिंग होने का उद्देश्य यही है कि भाई ये समाज जो है आज तक पिछड़ा वर्ग ही रहने का क्या कारण है, क्योंकि सभी पार्टियों को देखा है इस समाज में, इस समाज को कभी न्याय नहीं मिला है, और न्याय मिलने का कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पिछड़ा वर्ग ने 90% बल्कि 100% वोट दे करके दो प्लान में 10 साल से सरकार बनाई। बड़ी आशाएं थी कि वे पिछड़े वर्गों को अधिक से अधिक हर जगह प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो आज चुनाव का बिगल बज चुका है, यही देखना है कि हरियाणा में जितने राजनीतिक दल हैं कौन सा दल पिछड़ा वर्ग के सभी जाति के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में कौन टिकट देता है और इनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे ये मान कर के विदेशी पैटर्न पर कि वे जो काम ऑनलाइन पोर्टल पर होना है, लेकिन इस देश की जनसंख्या इतनी विशाल है कि यहाँ पर कोई काम आराम से उसके सुविधा होने के बजाय बड़ी दुविधाएँ हो जाती हैं। एक जो सबसे जी का जंजाल बना हुआ है, जो फैमिली आईडी में किसी ने अपनी यहाँ तक की बात मुख्यमंत्री तक पहुँच चुकी है और उसमें अपनी त्रुटियाँ दूर करवाने के लिए समाधान शिविर लगाए गए हैं, जिसका जो देख रेख हरियाणा की सरकार के मुख्य सचिव जो थे वो भी प्रतिदिन देख रेख कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों की समस्याओं का समाधान न होकर के जो परिवार पहचान पत्र में इनकम ठीक करवाना सबसे महाभारत काम बना हुआ है, वो ठीक ही नहीं होती। और वो जब तक इनकम ठीक नहीं होती, लोगों के बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट नहीं बनते, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं बनते तो उनके बच्चों में शिक्षा और नौकरियों में फायदा नहीं होता। इसलिए लोग ADC से भी मिलते हैं, प्रशासन से भी मांग करते हैं, मुख्यमंत्री ने भी समाधान शिविर लगाए गए हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि ये बड़ी समस्या भयंकर बनी हुई है। अगर यही काम कोई कर्मचारी मेरे जैसा अपना काम ठीक करवाए, ये 5 मिनट का ही काम है, वह उसका जेन्युइन काम है, वो अपने काम को ठीक करवाना चाहता है, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये काम किसी तरह भी न इसकी कोई एक आदमी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ADC है, न ही स्टेट लेवल पर कि वो इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आज ये लोगों की मीटिंग है इसमें बिल्कुल सरकार से प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी जो त्रुटियाँ अगर पोर्टल की बजाय किसी कर्मचारी ने ठीक करनी हो तो सिर्फ 5 मिनट में ठीक हो सकती है, लेकिन इस पर ये ठीक ही नहीं होती, ये बड़ी भयंकर, इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। और जो बच्चे थे उनका शिक्षा का कार्य है, नौकरियों में फार्म भरने का कार्य है, उनकी समस्या पर ध्यान दे करके ये जल्दी से जल्दी आज ही इसको ठीक करवा जाए, और इन पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो न्याय अन्याय हो रहे हैं आज तक है, उनकी तरफ भी सभी राजनीतिक दलों ने ध्यान दे करके उचित प्रतिनिधित्व दे करके उनके टिकटों का वितरण टिकटें जरूर दी जाएं, क्योंकि कोई समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब उसकी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो। इन संख्या की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित नहीं है, इसलिए मैं दोबारा फिर सभी लोगों के सम्मुख इस प्लेटफार्म के माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसभा में मांग करता हूं कि वे सभी पार्टियां इस और इन मांगों की तरफ और इन लोगों के अधिकारों की तरफ अवश्य ध्यान देंगी। आज की जो सभा हुई, जो लोग आए उनका बड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो राजनीतिक दल पिछड़ा वर्ग को उचित भागीदारी देगा आबादी के हिसाब से, ये पिछड़ा वर्ग समाज उसका पूर्ण समर्थन करेगा, अन्यथा जो अनदेखी करेगा उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धन्यवाद।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।